ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज हम एक लव रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर सिंगल्स। तो ये जो सिंगल्स हैं, आप किसी भी रीज़न से सिंगल हो सकते हैं। मे बी आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल या तो नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं, या सेपरेशन से, या ऑन ऑफ रिलेशनशिप रह सकता है, या हो सकता है कि आप अभी रिसेंटली आपका कुछ लीगल इशू हुआ हो और डाइवोर्स हो गया हो, कुछ इस तरह से भी आप अलग हो सकते हैं और अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं। तो या फिर अभी तक लाइफ में आपको कोई मिला ही नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या दिख रहा है, क्या कोई आने वाला है, कोई न्यू पर्सन आने वाला है, या आपकी लाइफ में ओल्ड पर्सन ही कम बैक करेगा। और दूसरा, हम लव ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि ज़िंदगी में आप जो इस भी पड़ाव पर हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हम आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस निकालेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, हम रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले जिसने पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और जिसने ये रीडिंग के मतलब देखने के लिए फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बहुत बार आए हैं, नहीं किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। और एनर्जी को क्लेम करना अगर मैच होती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा काम अच्छा है और आपके साथ मैच हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे काम को अप्रिशिएट करें कॉमेंट्स करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं रीडिंग को। बाय। सो जेमिनाय, अगर आप हैं सिंगल ड्यू टू एनी रीज़न इन योर लाइफ, तो आइए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज फ्रेंड्स, क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ बीइंग अ सिंगल, एंड देन हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ओल्ड पर्सन कम बैक करना चाहता है या कोई न्यू एनर्जी आ रही है। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द मून, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ सोर्ड्स। सो जेमिनाय, लाइफ आपको मौके देना चाहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाएं, लेकिन आपके मन के अंदर जो बहुत सारे डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी को खोने का डर है, ना पाने का डर है, या दूर जाने का डर है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आने वाले टाइम में वक्त एक ऐसी करवट लेगा, एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पे आपको ये विजडम आएगी, जहाँ पे आपको बिल्कुल अभी कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, जहाँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहाँ पर आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। ये जो अंधकार आपकी लाइफ में अभी बना पड़ा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्यों मेरी लाइफ में कोई पर्सन चला गया, और अगर चला गया तो अब मुझे आगे कैसे जीना है, आपको समझ नहीं आ रहा है। सो बेसिकली अब आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, जो कि शायद बहुत ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली खुश रहने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। आप कब तक दुखी रहेंगे या कब तक ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला मेरे को क्यों वैलिडेशन चाहिए आपको किसी की, जब किसी को आपको वो अफेक्शन और वो लव नहीं देना है। आपको एक स्ट्रेंथ लानी होगी अपनी लाइफ में, और ये जितनी भी जो अनक्लियर चीज़ें हैं, जो आपको दिखती नहीं हैं या आपको अभी तक भी समझ नहीं आ रही हैं, आप हिम्मत करके उनसे आगे बढ़ें और उनको संभालने की कोशिश करें, और अपनी इस इनसिक्योरिटी और अपने डर से ऊपर उठने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या कोई पर्सन की एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा पर्सन है या न्यू है या ओल्ड है, वापसी कर रहा है, किस तरह की एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो जेमिनाय, आपकी लाइफ में देखते हैं क्या एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। सो एट ऑफ वाटर, then we have 10 of water, then we have 10 of air, and then we have page of fire. So 8 of water से
मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि जिस भी पर्सन से आपने डील किया था और जिसके साथ आप पीछे बहुत अच्छे एक रिलेशनशिप में थे या काफ़ी टाइम से आप सिंगल थे हैं, उसकी वजह से ये पर्सन निकल रहा है। इसे रिलेशनशिप से अब मतलब नहीं है, इसने इस पूरे अच्छे घर परिवार को, इस पूरी सिचुएशन को एंड कर चुका है। और अभी ये मुझे नहीं दिख रहा कि ये कोई वापसी करना चाहता है या कोई इसको इंटरेस्ट है जेमिनाय आपकी लाइफ में वापस आने का। और डेफिनेटली या तो ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं आया या फिर इसको अपनी खुद की, इसकी जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ईगो थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा इसका रॉन्ग पर्सन था ये, इसको अपने आगे कोई नज़र ही नहीं आया और इसको यही नहीं समझ आया कि क्या सही है और क्या गलत है। सो डेफिनेटली अब ये अगर चाहे भी आपके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि जितना एटीट्यूड इसने आपको दिखाया है, जितना बुरे फेज़ में ये आपको लेके गया है और जितना आपको एक ट्रॉमा से गुजारा है, मुझे नहीं दिख रहा कि अब इसके अंदर वो स्ट्रेंथ है या वो हिम्मत है ये ओल्ड पर्सन की ये आपकी लाइफ में वापसी करे। सो दिस ओल्ड पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक इन योर लाइफ। और प्लस ये तो खुद ही अपनी ही नेगेटिव थॉट्स में और उसमें इतना खो चुका था कि अब ये वहाँ से सोचता है कि मुझे निकल कर अपनी लाइफ को अलग लेवल पर लेके जाना है और स्टेबलाइज्ड करना है। सो ये मुझे इसकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आइए देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन ओरेकल से गाइडेंस निकालते हैं। डिवाइन ओरेकल की गाइडेंस देखते हैं क्या है। सो जेमिनाय ओनली टाइम विल टेल। सो कार्ड आया है कि वक्त बताएगा। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें अपने ऊपर, अपनी दिमाग पर, अपनी आत्मा पर। कहीं ना कहीं वक्त के ऊपर हर एक चीज़ छोड़ दें और उसी का इंतज़ार करें। एंड अगला है फॉरगिवनेस का। सो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है वो पुरानी बातों में, पुराने इवेंट्स पर ना डालें। जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा अभी भी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो ट्राई करें फॉरगिव करने की और निकलने की वहाँ से, और अपनी खुद की रियलिटी बनाएं, नए ड्रीम्स देखें, नए सपने देखें और उन पर काम करें। ठीक है, अब मैं एक बार आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ ओरेकल गाइडेंस के बाद। लव, सो लव ओरेकल गाइडेंस क्या है आपकी लिए जेमिनाय, आइए देखते हैं आपके लिए लव ओरेकल गाइडेंस निकालते हैं। सो सबसे पहला है एडिक्शन। सो मे बी अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हो किसी चीज़ का। ओवरथिंकिंग भी एडिक्शन है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंताओं में भी हैं, सो वो भी एक तरह का स्ट्रेस ही है। सो बेटर है कि आप इन तरह की एडिक्शन से भी दूर रहें, और अगर आप कोई दूसरी तरह की एडिक्शन में हैं सो उससे भी दूर रहें। ठीक है, एंड नेक्स्ट है लॉर्ड गणेशा का एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। सो डिवाइन आपको एक नया मौका ज़रूर देंगे और दे भी रहे हैं। वो पुराने जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे और आपकी लाइफ में एक रुकावटें ला रहे थे, अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नया सक्सेस के लिए नया पाथ बन रहा है। ठीक है, सो आप उस पर चलें, एक न्यू बिगनिंग करें और आगे की तरफ देखें। ठीक है, सो ये है जेमिनाय आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। होप कहीं ना कहीं आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।